मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अब एक बार फिर से तापमान आपने देखा होगा बढ़ने लगे हैं। उसका कारण यह है कि पश्चिमी विक्षोभ, आप देखिए कि लगभग ये पहुंच चुका है, ये जम्मू कश्मीर के आसपास और नॉर्थ पाकिस्तान पर है, और इससे पहले वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफी आगे निकल गया है, ये इस जगह पर आ गया है। और जो दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में जब गैप होता है, जैसे मैंने बताया था, तो ये उत्तरी हवाएं चलने लग जाती हैं, और उत्तरी हवाएं जब चलती हैं तो ये तापमान को गिरा देती हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आगे आ जाएगा और हवाएं फिर से बदलना शुरू हो जाएंगी। ये जो उत्तरी हवाएं हैं इनको ये रोक देंगी। जैसे मैंने हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि इस तरह से ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ जाएंगी तो उत्तरी हवाएं रुक जाएंगी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो हैं वो ठंडक को कम करेंगी और तापमान को बढ़ा देंगी। तो ये सारा जो एपिसोड है वो लगातार अब देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखें कि इस समय वेदर सिस्टम क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया था कि वेदर में आप देखेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग पहुंच चुका है और उत्तर पश्चिमी हवाएं अब धीरे धीरे टेपर में आ रही हैं, यानी कि इस तरह से पश्चिमी हो जाएंगे और उसके बाद में ये जो सर्कुलेशन है जो इस तरह से घूम रही है ये हवा आगे आ जाएगी और ये इस तरह से यहाँ से यूँ घूमने लग जाएगी, यानी कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं हो जाएंगी। तो ये जो है कि जो हवाओं का जो बदलाव है वही पूरे मौसम को बदल देता है। जब उत्तरी हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तापमान गिर जाते हैं। जब दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं या पूर्वी हवाएं चलती हैं उसे तापमान बढ़ जाते हैं। जो हमने देखा था कोहरा छाया था, ये राजस्थान में उत्तरी जिलों में कोहरा छाया हुआ था, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाणा यहाँ पर भी पिछले दो तीन दिनों के दौरान हमने देखा कोहरा छाया हुआ था। उसका कारण क्या था कि एक तो हवाएं बहुत कमजोर हो गई थी। रात के समय जब हवा कमजोर हो जाती है और ईस्टर्ली विंड चल रही थी बीच में, यानी कि जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो नमी वाली हवाएं थी वो चल रही थी और उससे नमी थोड़ी सी बढ़ी थी, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था जो इस जगह यानी पंजाब और हरियाणा के आसपास बना हुआ था। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब बनता है तो आपको मैंने बताया था कि हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, कंडेंसेशन होता है, तो यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा था वहां से मॉइस्चर फीड भी इसको मिल रहा था। तो यहाँ पर उत्तर भारत में नमी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और नमी जब बढ़ जाती है और हवाएं कमजोर होती हैं तो कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि कोहरा जैसा धुंध कुहासा छा जाता है, और जब हवाएं कमजोर होती हैं तो वो मूव नहीं कर पाता, हट नहीं पाता, और वो धरती के आसपास सतह के आसपास बना रहता है, जिससे कि दृश्यता यानी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन उसका एक फायदा यह हुआ कि तापमान गिर गए, वो ये फायदा हुआ। लेकिन अब क्योंकि वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आ गया है और हवाएं भी तेज हुई हैं, उससे ये कोहरा अब हटने लगा है, अब एक बार फिर से तापमान बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये अगले दो तीन दिनों के दौरान 26, 27, 28 तारीख को स्नोफॉल और बारिश और कुछ हवाओं में ओले भी गिरा सकता है। उसके बाद में थोड़ा सा गैप आएगा और एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो हम कह सकते हैं कि मार्च के शुरुआती दौर में लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे, कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर भारत में अभी भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही, और अगर बारिश जैसे फरवरी में होती रहती है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। यही कारण है कि पिछले दो साल से फरवरी में जो बारिश नहीं हो रही, मार्च में बारिश नहीं हो रही, उसके कारण तापमान बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ क्लाइमेट चेंज का भी इस पर असर देखा जा सकता है। वैसे मैंने वीडियो बनाए थे, आपने देखा होगा कि एमजीओ के इंडियन जूनियन ओशिलेशन के बारे में, लालीना अलिनो के बारे में, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, और ये जो वीडियो मैं बनाता हूं, तो और भी कोई टॉपिक है जो आपको पसंद आया कि जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, थंडरस्टॉर्म कैसे होता है, ओले क्यों गिरते हैं, बादल कैसे फटते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक, तो मुझे इतना पता नहीं लगता कि किसमें बनाऊं, जो आपको इंटरेस्ट हो मुझे कमेंट में लिखें, कोशिश करूंगा कि एक-एक करके वो वीडियो में आपको बनाता रहूं। तो ये तो उत्तर भारत की बात हुई कि शुष्क रहेगा, पहाड़ों पर बारिश होती रहेगी, स्नोफॉल होता रहेगा, लेकिन अब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन इलाकों के तापमान एक बार फिर बढ़ने लग जाएंगे, दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने लग जाएंगी, एंटी साइक्लोन अभी भी अरब सागर के ऊपर बना हुआ है, तो ये सारे इलाके फिर से गर्मी देखेंगे और मार्च का महीना हमें लग रहा है कि एक बार फिर सामान्य से ज्यादा तापमान देखेगा। अभी भी जो टेम्परेचर है 4 से 5 डिग्री ऊपर बने हुए हैं ज्यादातर जगह पर, और मार्च में भी अगर यही हाल रहता है तो लू चलने की संभावना बन जाती है राजस्थान में और गुजरात में और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, और मध्य प्रदेश में भी इस तरह का स्थिति बन सकती है जो किसानों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगी। अभी फिलहाल ये 26 तारीख से हवाओं की जो गति है, जो उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं चल रही हैं जिससे कि पानी लगाने में, खेत में पानी लगाने में मुश्किल हो रही है, तो वो कम हो जाएगी, यानी हवाओं की स्पीड कम हो जाएगी, तो आप पानी लगा सकते हैं। और पूर्वी भारत की बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार, यहाँ पर गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाके शुष्क और गर्म बने रहेंगे, तापमान बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी गर्मी यहाँ पर बरकरार रहेगी। अब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाके तापमान में बढ़ोतरी ही देखेंगे थोड़ी बहुत,
कोई ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है फिलहाल अभी दो दिनों के दौरान, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मराठवाड़ा और जो बाकी महाराष्ट्र है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा। इसमें तापमान अपर थर्टीज़ में यानी कि 35 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखें तो सिक्किम, भूटान और जो असम है, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। नागालैंड में छुटपुट बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में रेन और स्नोफॉल होने की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा लगभग शुष्क रहेंगे। बांग्लादेश शुष्क रहेगा। और उसी तरह से अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये पूरी तरह शुष्क रहेगा। और जो बलूचिस्तान है और साउथ सिंध है, यहां पर तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है और यहां पर कोई बारिश की गतिविधियां नहीं हो सकती। और उसी तरह से जो अपर जो यानी कि जो क्या कहते हैं कि पंजाब का जो उत्तरी इलाका है, इस्लामाबाद वगैरह और लाहौर वगैरह, यहां पर तापमान थोड़ा कम रहेंगे, ये 30 डिग्री के नीचे ही बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत का मौसम शुष्क रहेगा। केवल पहाड़ों पर रेन और स्नो होती रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में रेन और स्नो होगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। लक्षद्वीप शुष्क बना रहेगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।